हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप सबका शोनी ब्लॉग्स नेपाल में। फैमिली, अभी शाम हो चुका है और मैं अभी अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरी शाम की पूजा आरती हो चुकी है, तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में बने रहे, जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फैमिली, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अभी अभी एसी का रिज़ल्ट आया है और मेरा बेटा इसी साल एसी का एग्ज़ाम दिया था तो वो पास हो चुका है। तो इसीलिए हम पूरे फैमिली आज बहुत खुश हैं। तो इसीलिए मैं भगवान जी को भोग भी लगाई हूँ खुशी के लिए। तो आज आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ मैं क्या क्या भोग लगाई हूँ। तो ये देखिए फैमिली, गर्मा गर्मा जलेबी और जो है ये रस बड़ी। तो मैं भगवान जी को भोग लगा चुकी हूँ, अब पड़ोसी अगल बगल में बांट देती हूँ। तो ये खुशी के मौका है, तो हम सब मिल के इंजॉय करते हैं और आप भी मेरे फैमिली की तरह हो। तो इसीलिए मैं सोची आप लोग के बात पास भी ये बात शेयर करूँ। तो आप लोग को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये मिठाई आप लोग के लिए है, तो आप लोग भी खा लीजिए। आजा भाई, आजा आजा आजा, तो आ नहीं रहा है तो मैं हाथी से आप लोग को खिला देती हूँ। तो ये लीजिए फैमिली, ये आपके लिए है। और जलेबी भी टेस्ट करके बताइए कैसा है। तो ये जलेबी भी गर्मा गर्म देसी घी का जलेबी आप लोग के लिए। तो अब चलती हूँ बेटा के मुँह, तो अब सबसे पहले बेटा के मुंह मीठा करा देती हूँ, उसके बाद अगल बगल में बांट दूंगी। तो ले चलती हूँ बेटा को खिला देती हूँ एक गर्मा गर्मा मीठा है और जलेबी। इधर मेरा बेटा बैठा हुआ है। A few moments later, मैं और मेरे पति देव जी आए पड़ोसी के गृह प्रवेश था, तो हम लोग उसी में आए हैं। तो यहाँ पे खाना लग चुका था तो हम लोग खाना निकाल चुके हैं। तो ये मेरे पति देव जी खाना निकाल रहे हैं और इधर मैं खाना निकाल रही हूँ। तब चलते खाना खाने। तो ये अब मेरा खाना है और ये मेरा खाना और ये पतिदेव जी खा रहे हैं। तब खा के चलते घर पे। A few moments later, ये देखिए फैमिली, हमारे दुकान में आज एक नया चीज आया है। आप लोग को मालूम है तो गेस करिए क्या चीज है। गेस करके कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा ये क्या चीज है। तो मैं आप लोगों को खोल के दिखा देती हूँ। ये है डिश वाशर, ये बर्तन धोने का मशीन है। तो मैं आपको इस आप लोगों को इसको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए जमाना कितना हाईटेक हो गया है, अब मशीन में ही बर्तन धोया जाएगा तो हम लोग को इतना मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। तो आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना हो गया है। कुछ दिन में हम लोग को खाना बनाने के लिए भी मशीन खाना बनाने के लिए ऐसे तो मशीन आ ही गया है। जो हम लोग खाना को ओवन में डाल देंगे तो वो अपने आप पक जाता है, फिर भी कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा कि खाना मुख में खिलाने के लिए भी कोई मशीन आ जाएगा कि हम लोग को खुद से खाना भी नहीं पड़ेगा। तो ज़माना बहुत हाईटेक हो गया है। देखिए मशीन, इसमें हम लोग अपना बर्तन इस जूठा बर्तन इसमें डाल देंगे, ये आप से आप धोआ जाएगा। तो ये क्या है, इसी में क्या है आप लोग देख लीजिए। इसमें रख देंगे, ये बड़ा बड़ा बर्तन भी इसमें चला जाएगा, जैसे कि प्रेशर कुकर, डेगची, इसमें सब कुछ चला जाएगा।